आपका नाम? बुरहान। यहाँ से क्या कर रहे हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अपने बचपन की कोई इंटरेस्टिंग सी मेमोरी हमारे शेयर करें। मेमोरी किस टाइप की? मतलब कोई बैल पर जाके भाग जाते हैं ना बच्चे, कभी मार पड़ जाती है? कभी मार पड़ती है? मुझे तो पड़ी मार है बचपन में यार, हर दफा मारे, बहुत मारे खाई है मैंने बचपन में। मतलब कोई ज्यादा पड़ी हो ना, मतलब कोई सूज गया हो आपका, मुंह सूज गया, दांत पाई निकल गया हो, कोई होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा? मेरा तो हर जगह से सूज जाता रहा, बॉडी पार्ट से यार। और मैं आप सबको सच बताऊं ना, तो यार मेरा भी सूजा, आई मीन सूजे हुए हैं हाथ पैर, सूजे हुए हैं यार। चने की खेत में दो दिन तक लगातार कटाई करने के बाद ऐसा ही हाल होता है, करके देख लेना। तो लेजेंड नगरी के लेजेंड वासियों, स्वागत आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के बारे में। ये बरसाती रेला है जो अब सख्त रोड शहर से होता हुआ सीधा जराई रकबों में जा रहा है, जिससे जो जराई रकबे वो जेर आब आ गए, किसानों को अब शदीद इससे नुकसान होने का अंदेशा है। ये जो बरसाती रेला है इसमें वक्त के साथ साथ जो ना पानी में इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो ना नुकसान का भी अंदेशा हो सकता है जी। इस बंदे की रगों में खून नहीं दौड़ता, इसकी रगों में दौड़ती है रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग खाता है, रिपोर्टिंग पीता है, रिपोर्टिंग हगता है, तभी तो भाई सबका मिला के रिजल्ट ये आता है। और भाई देखो इसके रिपोर्टिंग का लेवल यार, कोई है क्या ऐसा रिपोर्टर जो पानी में उतर उतर के नदी में मतलब बहा डा रही है साले, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग करनी है भाई, ऐसे रिपोर्टर को सल्यूट है मेरा। ताकि अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए तो उसके जो ट्रीटमेंट है वो भी की जा सके। यहाँ रिपोर्टर चुचा को गुस्सा आई गया कि हम गान घिस घिस के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तुम बीच में आए जा रहे हो यार। मतलब यार ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के मैंने वीडियो देखे हैं जहाँ एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और बीच में जाने कौन चूतिया लोंडे आके इधर उधर कैमरे के सामने फिरने लग जाते हैं, और ऐसे भाई बहुत सारे वीडियो देख लो। नेक्स्ट वीडियो सारे माँ बाप से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो बच्चों की इज्जत करें, क्योंकि बच्चे ही बहुत माता है चोरी। इसे बोलते हैं ड्वेल गांडू पर्सनैलिटी। यहाँ बंदा एक तरफ बोल रहा है कि भैया बच्चों की इज्जत करनी चाहिए और यहाँ बच्चे में गाली दे रहा है माँ बहन की वो भी। अच्छा कैमरा को फेस करना है, मुझे बताया क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो कुछ नहीं है बस, और एक मैं मैसेकर दे सकता हूँ। श्योर? वो मैंने अपने कजन से 1000 रुपए लेना है, वो अगर भाई मेरे ना यार अरफान भाई 1000 रुपए मुझे वापस कर दे प्लीज, 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हो, तो मेहरबानी पैसे भेज दें। इरफान भाई इनके पैसे भेज दें, अब तो मैंने भी आपको भाई बना लिया, अब तो भेज दें। थैंक यू। थैंक यू सर। उधार पैसे लेकर जाने वाले लोंडे बहुत ही हरामी होते हैं, मतलब पैसे ले तो जाते हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तो साले कतई हक देते हैं। और भाई पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं भी भाई खा तोड़ रहा हूँ, पैसा दे दूंगा साला कल दे दूंगा, और वो उनका कल कभी नहीं आता। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और क्या जान लोगे क्या, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटी वाले बटन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और यार इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।